इंसान गलतियां करके ही सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कोई काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो काम ठीक से हो नहीं पाता और उसकी वजह उसका आगाज़ ही गलत होता है। शायद ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो आइए आगाज़ करते हैं नई शुरुआत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं कल बैठा हुआ था और मेरे माइंड में ना काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, तो आपके साथ भी वो डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। उससे पहले जो है ना, मैं एक छोटा सा बात ले लूँ, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली फॉर गॉड टू मैंशन, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। मैं जो है ना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा हूँ, तो होपफुली यू गाइज विल सपोर्ट मी। जी, मैं अभी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाने लगा हूँ। जी, सो अभी मैं लूँगा अपनी क्लास और क्लास लेने के बाद आपको अपडेट करूँगा। तो आई हैव कम बैक, नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया है, मुँह हाथ धो के वजू करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी, सो वजू कर लिया और अब हम चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जी, सो नमाज पढ़ ली है मैंने। मैं सुबह 2 बजे से जागा हूँ, तो अब मैं एक छोटी सी पावर नैप ले लूँ, उसके बाद जो है ना हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। सो तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, फिर जी यार, एक ना मेरा बहुत बड़ा मसला है, जी और अच्छा, इतना रेपिटेटिवली मैं इन लफ्ज़ों को यूज़ करता हूँ ना, और मैं खुद इनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, बट पता नहीं क्यों इतनी आदत बन गई है कि अब इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। यार, मैं ना सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मौका नहीं था मिल रहा कि 2 मिनट बैठ के बात कर सकूँ, और अभी जब बात करने के लिए बैठा हूँ एग्जैक्टली, तो भूल गया है कि मैंने बातें क्या क्या करनी थी सुबह से। मेरी ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं लेकिन जब रिकॉर्ड करने का टाइम आता है तो मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं आता कि मैंने बोलना क्या क्या था। मेरा माइंड ऐसा है कि 24 आवर्स जो है ना, मतलब मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ माइंड में, लेकिन जब वो बात रिकॉर्ड करने की बारी आती है तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। मुझे ना व्लॉगिंग का शौक़ है, पहले नहीं था, अब है, लेकिन अब जब है तो बहुत जुनून की लेवल पे है, ठीक है। तो मैं इसे बहुत एक अच्छे लेवल पे करना चाहता हूँ,
लेकिन मुझे व्लॉगिंग नहीं आती। व्लॉगिंग जो है मैंने पहले भी की है कुछ टाइम, लेकिन मुझे ना मज़ा नहीं था आ रहा, मुझे लग नहीं था रहा कि मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब जो मेरी सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था अचीव हो पा रहा। अब मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं नई, और कोशिश करूँगा उन पर इम्प्लीमेंट करने की, और अच्छे अच्छे व्लॉग जो है ना वो बनाऊँगा। और बेसिकली मेरा जो मकसद है ना, मतलब मुझे YouTube पे काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊँ, डेली बेसिस पे बनाऊँ, ताकि हम लोग जो है वो कनेक्ट रह सकें। पहले जो मैं व्लॉग्स बना चुका हूँ वो ना एक टॉपिक सेंटर्ड होते थे। खैर वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे, लेकिन री अपलोड मैं करूँगा वो एट टाइम्स। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे चाहिए वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आपको व्लॉग कैसा लगा और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं, और खैर सब्सक्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अभी नमाज असर का भी टाइम हो गया है, अभी मैंने जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद अफ्तार का टाइम हो जाएगा और मेरे ख्याल से हमें इसके बाद बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, इफ़ यू हैव वॉच्ड। अल्लाह हाफिज़।